अरे तो हमरा के तो हाँ हमरा लगा था केहू के लड़का छूट गई बा। अरे छूटल नहीं खे, केहू छोड़ के गए बाटे। वैसे भी मजार पर केहू हिंदू अपन लड़का छोड़ के ना जाए। अरे का बोला तारु, ओकरा माथा पर लिखल बा कि वो हिंदू बा के मुसलमान। हमार मन कहता जी ये मुसलमान के लड़का बा, ढेर प्यारा होता तो ले चल के अनाथालय में डाल दे। हाय पकड़ा बाबू। ना बेटा ना बेटा, आजा। अरे हमार हाथ लाग गेल ता यनाद कहाँ रह गई। एकरा के हम अपना घरे लेके ना जाए। अरे हमार धर्म भ्रष्ट हो जाए जी। हाँ तू आपल धर्म निभाया। हम आपल धर्म निभाए। हम एकरा के पालब, ना हिंदू बनाए ना मुसलमान बनाए, सिर्फ और सिर्फ एकरा के इंसान बनाए। लगे हाथ नाव करण कर दी। आज हम पीर बाबा के साक्षी मान के आज से हम एकरा के अपन बेटा स्वीकार करत हैं। आज से तुलिया एकरा के कबीर पंडित दीनानाथ शास्त्री के नाम से जानी। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आदमी में आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पटना के गायत्री मंदिर को और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को कुछ अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर बंधक बना रखा है। अभी तक उनके मंसूबों का पता नहीं चला है और ना ही उनकी पहचान हो पाई है कि वो लोग आखिर कौन है। आइए देखते हैं कि सरकार और प्रशासन क्या कदम उठा रही है इस बड़े मसले पर। अरे कदम उठाए हैं तभी ना टीवी के सामने आए हैं। अब सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे हाथ में है, इसीलिए पकड़ कर बैठे हैं। सुरक्षा को कैमरा ऊपर करिए ना, देखते नहीं टीवी में आ रहे हैं। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ कर ले आते हैं। अपना काम तो ठीक से आता नहीं, हमारे काम की जानकारी चाहिए। अरे अब आतंकवादी के पीछे हम बंदूक लेके तो नहीं दौड़ेंगे। नू मानते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है। ये रहनी है मंत्री चिंता हरण चौबे जी। अब ले चलतानी स्थानीय विधायक फूलचंद पांडे जी के पास। फूलचंद पांडे जी, इस घटना के बारे में अपने के कार आए बा। किस घटना के बारे में? आतंकवादी घटना के बारे में। सही हुई अगर ओखने के क्यों मार गिराई था। पर मारी के क्यों मारी? ये सब पार्टी हाईकमान के सोचे काम बा। देखिए सब पार्टी हाईकमान के सोचे काम बा, हमने के ना। सर सर कैमरा के तरफ देखी। के धीर कैमरा के तरफ देखी। कैमरा के बक देखे उधर बोली इधर बोका समझाए का हमको है? आ सुना जवान होई तवन टीवी में देख लिया सर। अब हम आ चुकल बानी संग्रामपुर गांव में। अब देखी जनता के कार आए बा। नमस्कार, अपने के नाम? शोएब खान। ये घटना के बारे में अपने के का कहे के बा? सरकार निकम्मा बा, कुछ ना हो सकेला देश का। सरकार हमने के मारा था, हमने के मरवाओ था नहीं जा। पर अपने के भी तो फर्ज बनता, ये देश के नागरिक होके के नाते। हमने के देश के मानी लगे, हमने के कुछ कहल जाला तो हमने के आतंकवादी कहल जाला। अगर वो मंदिर में केहू अपने के आपन रहते ता? अपन रहते ता? रहते ता ना, बाड़े हो जा। हमार भाई हमार भाभी हमार भतीजा कौमी एकता कर गए ले लोग। रउआ का कहे के चाहता नहीं घटना के बारे में? बह कायर कहे के, जब भी देश आपन नहीं खे तो छोड़ के चल जा। मन नहीं के हर मुसलमान आतंकवादी ना होला, लेकिन हर आतंकवादी तो होला ना। ए! पांच वक्त सिर झुकाते हैं इसी जमीन पे, दुआ मांगते हैं खुदा से। अरे क्या पूछोगे हिंदुस्तान के मुसलमान से? एक दिन इसी मिट्टी में खो जाएंगे, सो जाएंगे। अरे मर के भी नाता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। धर्म के ठेकेदार वंदे मातरम कहा, ढेर बढ़िया रही। जाहिल साला। पर फिलहाल लोग तो अपने के घर में घुस आई बा, अपने के का फर्ज बनता? आतंकवादी के पकड़े के काम पुलिस के है। ए साहब कुछ करी, मंदिर में आदमी मरल तो इज्जत के फालूदा हो जाई। तिवारी जी जी, यदि लोढ़ा सिंह के इज्जत रही
तब बोनट पे बैठ के खैनी ना मलती। का भइल तिवारी जी, बम फूटल का? ना, जीप के टायर फाटल बा। हेलो हेडक्वार्टर, ऐसा मामला बहुत गंभीर बा, मिलिट्री बुलावे के पड़ी। न सरकार को चिंता है न इनके अपने लोगों को, मुझे लगता है हिंदुस्तानी माओ ने मर्दों को नहीं को पैदा करना शुरू कर दिया है। एगो भरत बा जेकरा सिर पर पीर बाबा के दुआ और गायत्री बाई के आशीर्वाद बा। दोनियों से लंभर और आतंकवादी बा। हाँ, 13 साल के उम्र में 20 साल के आदमी की मार दे ले रहे। नाम है कबीर पंडित दीनानाथ शास्त्री। के ही है इलाज। सही कहलो चाचा। समय पे ना आयल रहे तो सीधे बैकुंठ पहुंच गए रह तू। आतंकवादी आतंकवादी के मारे ला। आई अब हम रहुआ के उ नौजवान से रूबरू करवाता नहीं जे आतंकवादी के मार के लाश के ढेर लगा दिए ले और साबित हो गए कि आम आदमी चाहे तो जे कुछ भी कर सकता। आम आदमी कुछ ना, बहुत कुछ कर सकेला और हमनी के शेर के शिकार करे में मजा आवेला। ऐसन कुकुरन के नाम जे भी एक निके यहाँ भेजले बा ओकरा से कहल चाहतनी दोबारा ऐसन हरकत भइल त घर में घुस के मारे के। बेवकूफियों से आजिज आ चुका हूं मैं, आगे से ध्यान रखना। गुस्ताखी माफ़ जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अफजल मियां, कहिए खैरियत? हमारी हार ने अखबार की कीमत बढ़ा दी है। अफजल मियां। जी जनाब। दाऊद हसन साहब को इत्तला कर दीजिए कि हमारी हार की खबर हिंदुस्तान की सरहदों से गुजरते हुए पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। मुल्क किसी जमीन का मोहताज नहीं होता,
जमीनें हासिल की जाती है या जीती जाती है। जिन्हें लगता है ये जमीन उनकी है उसे बताना चाहता है, जो मजहब को नहीं मानता वो काफर, और काफर की एक ही सजा होती है, वो है लेकिन उसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हैदर अली साहब ने आपको याद फरमाया है। हैदर अली की किस्मत बहुत अच्छी कि वह शहनाज के अबू है, वरना उसकी जगह तो दाऊद हसन के जूते की नहीं छोड़ती। जंगल है आपकी आंखों में, जहां आकर मैं अपना रास्ता खो जाता हूं। आप रेल से गुजरती है और मैं पूल सा थर थर आता हूं। खुदा कसम आप नहीं होती तो मेरी दुनिया कब की उजड़ चुकी होती। जी शुक्रिया, हम अब्बू को आपके आने की इत्तला कर देते हैं। डोंट वरी, मैं मिल लेता हूं। वो बहुत खुशनसीब होते हैं बेटी, जिन्हें इतना चाहने वाला शौहर मिलता है। इस आदमी से नफरत की बू आती है अम्मी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। अपनी सांसों से कह दो कि अपनी जगह बदल लें, क्योंकि आपके अब्बू अपना फैसला नहीं बदलने वाले। और अगर हमारा फैसला बदल गया तो अब्बू? तो उस दिन बदलना जिस दिन हैदर अली और दाऊद हसन से मजबूत हाथ तुम्हें मिल जाए। आपके इस सौदे की बुनियाद पे आपकी बेटी कुर्बान अब्बू। वाह 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 वाह, सही कहा है किसी ने कि दो शेर एक पिंजड़े में रह ही नहीं सकते। ये तो आपका पिंजड़ा है जो सामने वाले को बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना वरना आपकी जगह ऐसे तस्वीर में लटकती नजर आती। जरा इस तस्वीर पर भी गौर करो मियां, शेर और कुत्तों में फर्क नजर आ जाएगा। गुड। किससे सुनने वाले इतिहास लिखा करते हैं हैदर साहब। इस हार को जीत में तभी बदल दिया जाएगा जिस दिन हिंदुस्तान की बर्बादी का झंडा पाकिस्तान लहराएगा। मेरा रंग दे बसंती चोला था भगत सिंह ने बोला, जब भड़का क्रांति का सोला आसन दुश्मन का डोला। आजादी के निशान
शास्त्री जी। हाँ नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। की लें प्रसाद। बैठी बैठी बैठी। हाँ हाँ ठीक बा। प्रणाम चचा। अरे अरे प्रणाम प्रणाम। कैसन प्रसाद हो? अरे भाई जब से जान बचल बना हम अपन देवता बदल देनी। शास्त्री जी जवन देवता हमनी की हिफाजत ना कर सके ओकरा के पुजला से का फायदा। ठीक कहानी भाई साहब। हमू सात गो एतवार भकले बानी। ए माई अगर कबीर भैया के एक बार बेटा बना लेते तो एतवार सोमवार के झंझट खत्म। छोड़ ना नैना अपना खेत के मर्चा ढेर दीद लगेला। अरे मुझे सी फेंक लगला। अरे राम 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 राम। अरे वो के लागल तो ना हम ओकरा के मरनी है। लागल तो नानू है। ना ना कौनो बात ना है। बाकी तनी देखी राहुल लुटवा सही सलामत बा कि ना। अरे छोरी छोरी भाई पहले ही बताई घर के समाचार कैसन बा? घर एकदम सही बा। बाकी परिवार अपने परिवार से ज्यादा खतरनाक है। शास्त्री बाकी एक बात बा हमारे गो बेटी बिया जवन साक्षात देवी बिया साक्षात देवी। काय मरलू है? बॉडी के मजबूती देखत रहनी हा। अरे तो तोरा बॉडी की मजबूती चेक करे खातिर के यह जगह मिलल हा? तो जगह बदल के देखी। अरे पहरावा पोशाक एकदम शालीनता के साथ। नैना हाँ कॉलेज में साड़ी? अरे इतना से बाबूजी के दिखावे खातिर घर से निकले के समय साड़ी और घर पे जाए के समय साड़ी और बाद में हाँ कोमल हमार सहेली बाड़ी हमरा के मालूम बा उनका सालिनता के बारे में। अरे बेटी आई हो दादा। चाचा जब कह रहल बारन तो सही कह रहल होई हन। चल चल हम तोरा के दिखाओ तानी चल। अरे हमरा के बेकू बुझता रे चल देख। ई आवाज कहाँ से आयल रहे? अरे वो शास्त्री जी की बेटी नैनुआ हमरा कोमल से बराबरी करतिया। भगवान देले बेत छप्पर फाड़ के। अच्छा जब लेवे ले तो बहुत गलत जगह से। और दूध लेके ना आई नहीं हा रउआ? अरे हाँ वो नैनुआ के चक्कर में भुला गई नहीं। तो ठीक बा रउआ दूध लेके आई हम मंदिर से आवत आनी। हाँ हाँ ठीक बा। बेटी कोमल जी बाबूजी। अरे हम नैनुआ के अंदर भेजनी है के केहू और के? नैना के बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक बा। बाकी शास्त्री जी अपना बेटी के खिया पिया के एकदम लइका नियन बना दिले बाड़े। ढेर बहादुरी के काम करे तार सरकार इनाम दी ना हमरा से ले ला। ढेर जबरी करबे ना तो अभी चिल्ला दे। चिल्ला हम कहा दे हमारी इज्जत लूटे खाते घुसल रहलो हो। सही नक्षत्र में तोर जन्म नहीं खेला गा। एक अबीर अपन प्यार के अबीर लगा के हमारे नक्षत्र सही कर दो हो। दर्द करेला प्यार का मुसर कुटता।
छोटे दे आगे करा से दबवाए मन करा दा कूद के तोहरा गोदी में चढ़ जाए कोई ना बा मौका अच्छा मिलल बा चला ना रे ये तो खाली धोए वाला पार्टी बा कुछ करे वाला ना अच्छा तोहार पुजारी के आवे के टाइम हो गई बा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिव 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 ए लौकत नहीं खे पूजा करे जाता नहीं अशुद्ध कर दे ले आओ दिन तो सटवा उड़ के चल आयल है तो हमार पठनिया सुध ना भइल रहे हां तो हवा से उड़ के चल गई होई तो पनियो हवा से उड़ के चल गई हर काम जान बूझ के करे लसन अनजाने में ना तो ठीक बात तो पूरा नहाइए के जोते का कर थाड़ी ए पूरा नहा के जो रुक बे ले ले पूरा नहा के जो शी 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 रुक चला रुक रुक तक पंडित आई छोड़ा होता नहीं है लाइका से लाइकी लाइकी से लाइका बड़ से छोट और छोट से बड़ आदमी कैसे गायब करल जाला आई सीखी ए बंद कर झूठ मुड़ के खेल के लिए बड़े ए फालतू ऐसे बढ़िया तो हम दिखा दे रे महाराज के बेटा हुआ ना एक जादू दिखा दे महतारी क्रिया खाता नहीं मुझे अपन कटा दे नहीं तो काट दे चल दिखाओ तनी आई एक मिनट खाली देखते हैं जमुरो हां भाई लो आगे ले बड़का जादू दिखावे अरे ना चुक रे अभी का भाई लो आज गइल सोहेब के मुंह का हो जादूगर अच्छा जवन काम ही आंख बंद करके कर दी हैं तू आंख खोल के कर देबो जादूगर पानी ई तो हमारा बाएं हाथ के ए अरे खेल बा अरे सिंपल एक मिनट में अच्छा हां सोच ल सोच ले ली मूछ कटा जाई बारे बा गजब आड़िया दिले का भाई आज से तोरा के जीतल जरूरी बा भाई काहे के आई तोहार मूछ बड़ी सही लगता ई का हो मरचा के पाउडर मरचा के पाउडर ई का होई ई आंख बंद करके डली है
आ तू आँख खोल के डलबा। आँख खोल के? हाँ, ये न शर्त लागल रहा ला। अस्तुरा लिया। ना, ना। अरे कटवा ले। मांगा पड़ी। अरे कटवा। सॉले। हाँ, कट गया। बड़ा मांगा पड़ी मुझ काटे वाला के। हम विदाग के सकते। इना मानी अगर कबारो चिलो लोग ऐसे इना मानी। लग जाओ। जादूगर हाँ, कहीं मशीने ना गायब कर देवे। पागल इकार है। कमाल है विधायक जी, हम इतना विधायक देखनी बाकी रउआ जैसन विधायक कब्बो ना देखनी। कोनो खासियत लोकल हो विधायक जी में कि ना दरोगा? अरे ऊपर से नीचे तक खात गते खाते। ऊपर देखिया, नीचे देखिया, बीचे में मत देखिया। कहे रह दी जाए दी। इतवार हो या सोमवार, विधायक जी के घर में हमेशा लागल रहेला दरबार। बड़ा भीड़ आयल बा भाई है। हाँ। शुक्ला जी। हाँ जी। की जनता से पूछी समस्या का बा उनके? सर राउर जे जे समस्या बा एक एक करके विधायक जी के पास आवा बतावा। आवा, आजा आगे आजा। अब विधायक जी के अपन समस्या बतावा बताओ बताओ। सरकार पिछले इलेक्शन में कहले रहनी कि नहर में पानी आ जाई, नहर में पानी अभी लेना आयल, ऐसे जनता का परेशानी होता। आओ आओ आओ, आओ। जा विधायक जी के लगे जाए। आओ धरो समस्या का समाधान करी। शुक्ला जी चालू रहे। हाँ। घर कहाँ पड़ी बाबू तोहर? आराम से दांत मत चियारा, ताली बजवा। हाँ, तालियां तालियां। धन्यवाद धन्यवाद। आगे। हाँ आगे बताओ। सरकार चापा कल अभी तक गांव में ना पहुंचल। कितना फुट पे आवाला पानी रे? 120 फुट पे। 120 फीट ना। रुका, समस्या का समाधान होता। सर सारा समस्या भाग गई सर। एकर समस्या सच में गंभीर हो जाता। हाँ सर। हाँ बोला, क्या समस्या बा? अरे एक कुकुर। अरे चोर कटवा। विधायक जी के गाली देवा था कि हम ना गरिया होता नहीं सरकार, इत ओ गरिया होत रहल जवान हमार ई मुछवा कट ले बा। तो प्रॉब्लम जनुनुन बातोर है। बैठी सर। हाँ हाँ। और का कहलस? और कहलस कि विधायक जी गधा के औलाद हुए। मजाल। अरे मजाल छोड़ी सरकार। वो तो यहाँ तक कहलस कि विधायक जी के माई के साथे भाग गई। और ओकर बाबूजी ओकरा से ब्याह कर ले बाड़े जकरा हाथ से केहू पानी ना पियल। विधायक जी के बारे में सब कुछ जाने ला। चुप दोगला। नाम नाम बोल, नाम बोल। सरकार ओकर नाम बा कबीर। कबीर आतंकवादी के का मार दहलस? अपने आप के मिस्टर इंडिया बुझाता। एक बेर हमारा हत्ते चढ़ जाए ना ऐसा ठोकब कि जिंदगी भर खड़ा ना हो पैसा लागत ना भर। कार्य नरी ठोक दली। अरे साला चश्मा खुद लगाओ ले बाड़े और हम क्या अंधर कहता रे। और सुन है ने और रास्ता पे खड़ा रह बे तो केहू ठोक के जाए। रास्ता तोर बाप बनवे ले माने। आ गई ले के रे रामेश्वर बाबा। अरे बाप रे बाऊजी। अरे बाबा प्रणाम। खुश रह बेटा खुश रह। हुसैन बेटा यहाँ क्या करत बाड़ा? मछली पकड़े दानी। अच्छा मछली पकड़े तारा। अब तू क्या करता है? लगता था कबीर जगह के मछली के मगरमच्छ पकड़ ले लिया। का भाई कबीर चाचा? अरे पता न केने चल गए रे। अरे वहाँ बाड़ी। अरे ए लड़की कौन विपद ज्यादा है। निकलल निकलल है कोमल कोमल। अरे उठना रे। ए देखना लगता पानी पी ले ले भैया। तो निकालो। कहाँ निकला था? अरे पीठ पे दबाइले से पानी निकली। पेट पे दबाओ। पेट पे? हाँ दबाओ। सुना मुँह में फूका तो हवा
बात करता रहे। हाँ, फूका। फूकला से पानी बाहर निकली। हाँ। फूका ना तो मर जाई। फूका। अच्छा होने देख। अरे मुंह से मुंह लगा के फूका, दूर से थोड़े। अरे साला, अगर पानी निकाले में हमारे पानी निकल जाए। अब हमारे समझ माइल के चश्मा लगा के तू कौन मछली फसावत रहले है। तू एकर शरीर छू के एकरा का पवित्र कर देले। ए चल चल घरे चल चल। कौन आना छत्तर में पैदा भइल बिया हमरा तो बुझइबे न करेला। पंडिताइन ए पंडिताइन, अरे अरे जल्दी आवा। अरे चिल्लात काहे वानी, हम कोनो बहिर वानी का, तनी धीरे बोली ना। अरे कबीरवा एकरा शरीर के पानी निकाले खातिर
पूरा शरीर अपवित्र का दिले बा। अगर वो नदी से ना निकल रही तो हम डूब के मर गई रहती। चुप। एकरा शरीर पे हर जगह गंगा जल के छिड़काव करा, जहाँ जहाँ हाथ लगा ले बा। चला बेटी चला, जब ले तोहरा के शुद्ध न करब तब ले कैसे लोग जानी कि तू रामेश्वर पंडित की बेटी बाड़ू। हाँ, जा ले जा भीतर ले जा। कोमल, हमके तू ई बतावा कहाँ कहाँ हाथ लगाओले बतो के। आँख में माई। रामेश्वर पंडित के बिटिया पोखरा में नहा रहल बिया। अरे पता नहीं कहाँ ससुर कहाँ कहाँ हाथ लगाओले होई। हाथ पे माई। ए सुनाए ना, अरे गंगा जल डाल के अच्छी तरह से नहवैया हो करा के। ओठ पे माई। अरे कौनो तो ऐसा जगह होई जहाँ तोहरा के छुवले ना होई। ऐसा कौनो जगह नहीं थी जहाँ वो छुले ना होई। चुप, तोहरा बाप बेटी के फेरा में ना हमार धर्म नष्ट हो जाए। ए मुखिया जी, इस सब मुंह लटका के बैठल बाड़न, कौनो शोक सभा चला था का? ना ना महाराज ना, आदमी लाली पप के बेटी हो ना दोनों, जनकवा झुमकी दोनों से परेशान बा। और कबीर से हम परेशान बानी। अरे ओकनी से पहले तो एक इलाज होके के चाहिए। अरे पहले ओकनी के बारे में सोची, कबीर पर बाद में आए। मुखिया जी, इन नौटंकी से इ गांव के जितना बच्चा जवान बा सब बिगड़ गए। अरे तो ओकनी के पकड़ के लिया के पंचायत में चार थप्पड़ रसीद करा, सारी नौटंकी समझ में आ जाए। हाँ। पर लेके आई के कबीर। हो गई तब चला, बचल खेला पंचायत में खेलिया। अच्छा, ढेर बोलबे तो पान खा के थूक दे, सारा ड्रेस के डिजाइन बिगड़ जाए। काओ काले रही ना, ये हमारा बस के काम नहीं है, बना दे रस ना इज्जत की गुटका। और ही कुदा स्टेज पर। ए कह देनी कि नौटंकी बंद मतलब बंद। ओ नौटंकी केकरो बाप से बंद ना होई। झुमकी के बहिन है जनक कुमारी महतो हमार नाम। अच्छा बुझला। पंचायत से बुला बाबा, चला। इज्जत से आज ही हलो न तो बेइज्जत करके ले जाए के पड़ी। चला। हमनी का होई जनक? अरे कुछ ना, इनके विधायक की टोपी ना हमार चोलिया में बसरवा, तू बस देखत जा, तनकी सा जोर लगाए कि सारा पंचायत उनका धोती में घुस जाए। लाइकी नमस्ते विधायक जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एगो समस्या बा। जमाना कितना खराब बा विधायक जी, सुंदर लड़की भी समस्या में फंस जाता री। का समस्या बा तोहर? गुलाबो गुलाबो ना, जनक नाम बा सरकार। रवा बीच में ना बोली विधायक जी। बोला दा भाई हुआ का? अरे ना ना ना, दलाल हुआ का? चुप दोगला। अरे लड़की है कौन ना? वो का हो, हम और हमार बहिन खुद के सिनेमा बना के दिखावत रहनी है, पर का करी, ये गांव वाला चाहत रहन के बंद करती। ब्लू फिल्म दिखावत रहलू का? ब्लू सिनेमा ना, शुद्ध देसी नौटंकी सरकार। अरे ना चोगला सर, भाई दलाल के बोल की बीच में ना बोले। चुप ना होता नहीं सर। भाई साहब रहुआ चुप रही ना, विधायक जी के रोमांटिक मीटिंग चल रहा बा कह रही हूँ सर। काम हो जाए लेकिन बदला में हमारा के सिनेमा दिखावे के पड़ी। हाँ मुफ्त में तका निहाल लिया। समस्या का निदान बताओ तानी।
ना समझ लू का ना हट पागली अच्छा अरे ई का कर तार ना समझ में आई का मैं बुरबक का बिया कर अब बस देखते जा पूरे पंचायत के ना हवा निकाल दे सनीमा दिखाओ ना काम भइला के बाद अच्छा ठीक बा ए भाई साहब यहाँ आवा आवा जी आवा जा भाई साहब तबले हमरा लगे रही है काम भइला के बाद इनके लौटा दे है दरोगा जी सर लड़की के साथ जा जौनो समस्या हो के ओकर समाधान करिया यस सर समस्या का बा अरे देखत नहीं कि का जम्हाई लेत समय हमार हाथ ऊपर चल गई बा और अब डॉक्टर कहता कि खूब खर्चा लागी ऊपर से हमार दीदी के शादी के खर्चा दे दी लोगन नौटंकी बंद अरे जा दी देखी ना भगवान खुद ही का नौटंकी बंद करा देलन अरे अरे ऐसे कैसे हम ना नाच सका पर हमार दीदिया तो नाच सकती है ना अब इलाज और पेट भरे खातिर कुछ तो करे के ही पड़ी इज्जत बेच के अपन पेट भर में खाओ ए इज्जत हमार जाता तो तोनी के काहे फटा था ए जबान संभाल के बात कर ये पंचायत है तोर घर ना हमरा घर के बारे में कुछ मत बोलो अनाथ कही के धनक और जोर से बोली सड़क से उठावल लेगा के बाप ना कहा जाए कबीर हमार बेटा हमार बेटा अच्छा तो एक बेर बस काकी का देस ना तकाल से नौटंकी बंद ना ही तब बंद करे के खर्चा रवा लोगन के जेब से निकाल ले माई एक बार कह दे कि कबीर भैया तुहार बेटा हुआ झूठ बोल के हम नरक में जगह न बनाए पति के अभिल्ला कहला से स्वर्ग में जगह ना मिल जाए ए, बोल तोरा नौटंकी बंद करे खातिर कितना पैसा चाहिए 5 लाख और अगर तोर बीमारी झूठ निकलल तब 5 लाख ईदी ठीक बा लेकिन रहुआ पैसा का इंतजाम ना कहनी तब पगड़ी उतार के चप्पल के झाड़न बना ले धनक कबीर बेटा जब आपन आपन ना हो सकेला तो गैर भला कैसे आपन हो सकेला बाकी 5 लाख के व्यवस्था कहाँ से होगी पंडित जी जबान हरल बानी अपने आप के बेच दे बाकी अपन पगड़ी के केहू के चप्पल के धूल के झाड़ न बने दे बाबूजी हमारा शरीर के कण कण आपके कर्जदार बा इस शरीर पे पंडित दीनानाथ शास्त्री के हाथ लगल बा अगर ये बिकैबो करी तब 5 लाख से ज्यादा में कम में ना समस्या से निकाले में दरोगा हमने ये फंसा देलस खोल के बतावा सर हां मतलब खोल के बतावा बात बुझाइल ना अरे अरे मास्टर जी 5 लाख देवे खातिर तैयार हो गईला पर ई दरोगा बीच में टपक के ई कहले कि अगर झूठ पकड़ा गई तब 5 लाख हम दे एक मिनट हटा का दरोगा अरे ते दरोगा ना साले दोगला बड़े का जरूरत रहो जब अरे समझावा तू ही एक समझदार आदमी बाड़ा बस हाँ सुने बात अगर बिगड़ जाए नू हाँ। तो विधायक जी बनी खुद अपन 5 लाख रुपया रहुआ के दे दे बीच में बोला के क्या खाला सा क्या खाला सा बीच में बोला के ए हमार गुलाब अब दिखावा ना सनीमा समस्या से निकलला के बाद बुजनी हम अबो कहता नहीं ई मास्टरवा 5 लाख रुपया दी कहां से मास्टरवा अब अपना बिटिया के बेचे या बेटा के फूलचंद पाड़े के जाल में तब फंस गईलू अब बीवी का मोबाइल मिल गई बा ढेर पकड़ पकड़ कर बे हां चल फोन रख नमस्ते मुखिया जी सरपंच जी नमस्ते नमस्ते ली विधायक जी बैठी
कहा चाचा का जरूरत रहे और नौटंकी वाली के मुंह लगौले के 5 लाख रुपया कहाँ से देबा? नौटंकी कैले बिया और नौटंकी के कोनो पैसा ना होला। तोहनी के कैसे मालूम कि वो नौटंकी कैले बिया? अरे बक बीच में मत बोला सन। बैठ जाएं। सॉरी सर। बैठ जाएं सर। चचा अगर बीमारियां सही निकल गई तब का करबा? 5 लाख रुपया दिया ही। अगर झूठ निकलल तब? तो 10 लाख रुपया विधायक जी दे दी है। सॉरी। पैसा तोहनी जैसन लालची आदमी के लालच है और यहाँ बात मान सम्मान के बाद कुछ और बोला। अच्छा कुछ और? हाँ, शास्त्री जी का जूता और हमार सर। विधायक जी अगर बात सही निकलल तब? तो विधायक जी के जूता और शास्त्री जी के सर। हे शास्त्री जी, बेटा अगर जूता कपारे पे रखवा देना हमरा क्या करिया है? 5 की जगह 15 लाख दे। हाँ, घर तक संभलता नहीं खे, चलल बाड़े लोग पंचायत संभाले। चला रहे सर। आई आई सर। माई ये का कर दे ले तू? बड़ा भरोसा बना तोरा बाऊजी के अपना बेटा पर? वह भरोसा के क्रिया, अगर हमार बेटा हार गई तो भगवान के दरबार में अकेले से त्यता के तोहरा प्रमाण देवे के पड़ी। अगर हमरा सुहाग के पगड़ी गिरल ना तो जहर खा के जान दे दे। हट माई। माई काकी। अरे मर्दे उदासी ना ठीक लागेला तोरा चेहरा पर। कबो कबो कौन बात दिल में भाला के तरह चुभ जाला यार। ओकरा खातिर एगो रास्ता बा हमरे पास, पंडियो जी के सहमति बा और ऊपर सोचबा तो एकदम सही रास्ता निकल आई। कौन रास्ता? कोमल से ब्याह कर ले। कर तो ले यार, लेकिन हमरा जीवन में औरत के प्यार नहीं के। क्यों जन्मा के दरगाह पे फेंक दिया? क्यों अपना के प्यार ना दिया? कोमल से जान से बढ़ के प्यार करी ले, कहीं वो ठुकरा दे ली तजी तजी मर जाए यार। कबीर, अगर फिर आगे कब ऐसा कहल तो एक थप्पड़ मारे बिना बियाह के पति कहे लगब। बस साथ जिए के वादा कर तो हर चरण की धूल मांग के सिंदूर बना ले। ¡Hola!
तोरा किसे बता रहे? बाजार में सोएब सब्जी खरीदे देख ले। हाँ कसम से हमके देखला तातवा ऊपर को ले लस। हाँ जैसे वो मदारी के ले रहे। ए, फिर बोलबे ना तो मारा मुहा बोमा पूल हो जाई। मजाक सही नहीं खे, बात सही भी हो सकता। एक काम कर लो, पूरा गांव के झनकवा की दुआरी जुटावा और हाँ विधायक जी के जरूर बोलिया। पर करबा का? वो तो कैला के बाद पता चली। नौटंकी कर तारी। देखो कबीर, पास मत आवा। कबीर देखो हमरा के छुओ मत, ना तो हम बाबूजी के बुला देब। बाबूजी की का बोले भी, इलाज हम करब कि तोर बाबूजी करिए? कबीर देखा ये तो ठीक नहीं के करत। कबीर हम सच कहतानी, बाबूजी के बुला देब। बाबूजी के का बुला के करबो? तुहार इलाज देखा कैसे? चल बताओ हकीकत का बा। ना तो गांव और पंचायत के फैसला बहुत भारी पड़ी, फिर ना तो नाचे लायक रहबे और ना नचबाबे लायक। साइड प्लीज, साइड प्लीज। आई सर करने गई। आई 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 आई। ए अब चुप काहे बाड़े, बोल। ज्यादा नौटंकी मत करे नौटंकी वाली। हम ई नाटक विधायक जी के सिखावला पे कैले रही। ई का कहो? अबे झूठ बोला दिया। बस बस उठाई बा के उठावे के पड़ी। अब एक बात कान खोल के सुन ले, जवन पूर बाप के जवान बेटा होके ना ओकरा के कब्बो कमजोर समझे के गलती मत करिए। बाकी 5 लाख के बंदोबस्त कहाँ से करबा लाली पाप मातो? हमरा की माफ कर दी लोगन, हमरा से बहुत बड़का गलती हो गई। अब से मेहनत मजदूरी कर सन, आज से नाच गाना बंद। बड़ बुजुर्ग के पगड़ी के कन्यादान के साड़ी बना ले, पूरा गांव डोली के कहार बने के तैयार हो जाए। चुनाव खोपड़ी पर नाच रहल बा, अब चुनाव चिन्ह जूता होई का? हम वैसे रहनी मंत्री जी, पलटे के चक्कर में विधायक जी पलटा गई नी है। हाँ है जी हने आओ। यस सर। अरे बा साले वहा खड़ा होके का बाबा जी का घंटा काट रहला है? हां इधर अरे अरे साला हमके अगर टेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो गेल हो बवासीर हो। अब तू साले हमरा के ना मंत्री जी, कम से कम ही वर्दी के तरह वाली हाज करी। ई लोग के चक्कर में ई दरोगा दोगला बन गया है। ठीक है कहता रहा, आज हमारा समझ में आया लगी कहावत कितना सही बा, जोरू का भाई एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ। सही कहता नी जी। आइए आप ही की कमी थी सुपारी दे। दीदिया चुप रहा, इतना सुघर सार केहू भाग्यशाली के ही मिलेला। उठी ओने जाके बैठी। अच्छा ई हमार बबुआ खातिर कुर्सी बा, रउआ खातिर तो प्लास्टिक के कुर्सी बा, ताकि बवासीर में तनी कम दर्द होखी। आई जी देखत रे, राज्य चलावे वाला घर चलावे में कितना असमर्थ बा। अब बुझाई जीजा हमरा के थप्पड़ काहे ना मारना है? इनका के चप्पल खाए के पड़ी। ए देर ना, यहाँ के हमारे जीजा जी। तुम लोग साले सुधर जाओ, कितनी तकलीफ दोगे तुम लोग, मैं क्या करूँ भाई। हेलो दिमाग का फल उधर निकल आए। पाकिस्तान से हैदर अली। हेलो जी। हाँ हाँ जी जी हाँ हैदर अली साहब। वालेकुम प्रणाम। वालेकुम सलाम चौबे जी, कहिए सब खैरियत? जनाब हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, चुनाव नजदीक है, अब अगर जनता की सहानुभूति मिल जाती तो चुनाव तो हम ऐसे ही जीत जाते। सहानुभूति
ठीक है चलिए करी देते हैं हंगामा। दिन और तारीख आपका और काम हमारा। अरे जनाब शुक्रिया। तो लीजिए लगे हाथ, दाऊद हसन साहब से बात कर लीजिए। हाँ दीजिए दीजिए। वालेकुम प्रणाम हुजूर। 14 अगस्त का जवाब होगा 20 दिसंबर। खुदा हाफिज। देखला हिंदुस्तान में रहके डीलिंग पाकिस्तान से करी ला। अरे ता जीजा के कर बाड़ा जुत्ता खाए वाले के दीदियो। अरे दीदिया कहे बोला बता रही। एक बात बताओ तोरा सर पे जूता के रख ले रहे। मास्टर दीनानाथ शास्त्री का बेटा कबीर शास्त्री। कबीर शास्त्री तो बेटा कबीर आपकी दंगा में पहला जेबा तू। जरिया बचा के हाँ
वीर। कहा बात आते वाली जी? ए शास्त्री जी, अपने सड़क उठावल माटी आज हमारा बेटी के मांग के सिंदूर बने का सपना देख रहा बा। स्वीकार कर ला, कहे कि कबीर से बड़ा सपना देखे के औकात तोहरा में नहीं खे। ता ठीक बा, बस एकर जात बता दा का तोहार औकात हमारा औकात के बराबर हो जाई। बस हम अपना बेहरारू के कारण बेबस वाली, वरना दीनानाथ शास्त्री का औकात रामेश्वर तिवारी से कहीं ऊपर बा। ए शास्त्री जी, जे मरा जिंदगी भर अपना पत्नी के सामने बेबस रहे, ओकर पोसर लड़का हमारा बेटी के हाथ ना पकड़ सकेला। अरे लड़का के मजबूती के पता ओकरी माँ के कोख और बाप के मूछ के नोक से होला। हाथ नजर उठा के देख ली ओकरा महतारी के कोख और ओकरा बाप के मूछ के नोक के। अगर मान मर्यादा के ख्याल न रहित ना तो राहुल बेटी के कब के अपन महतारी के पतो बना के रख दे ले रही। गायत्री भाभी, खबरदार खबरदार, अगर हमरा बेटा के अनाथ कहानी तो जबान खींच ले। बीस साल लग गए हमरा के अपन बेटा पहचाने में। रवा रवा तो सात जन्म में भी ना पहचान पाई। यह एहसान के कर्जदार हमरा और जिंदगी भर है, कहे कि एक बेटा से ओकरा माई के मिलवा देली, जाके अपन बेटी के जीवन संभाले। एगो बाप के वादा बा, हमार बेटा रउआ रास्ता में कबो ना आए। बाबूजी रउआ रोवा तानी। रे डारे पगली, इतना खुशी के आंसू बा। ब्याहे के 25 साल बाद पंडित दीनानाथ शास्त्री के परिवार पंडित रामेश्वर तिवारी के वजह से आज पूरा भइल। कबीर कोमल जा तू भीतर जा। अरे भीतर जा भैया, अब हमने के चलो। हाँ ठीक। प्रणाम। प्रणाम चाचा। पंडित जी के फैसला बदल गए का? हाँ, बदलल फैसला ही बतावे खातिर आज बनी। तो फिर एगो हमार बात सुन ला, हम कोमल के बियाह तय कर देले बानी। एगो पिता से बढ़ के बेटी की क्यों प्यार करिए नहीं कह सकत। हम अनाथ प्यार के मतलब का समझे? अपने के बेटी हमरा के प्यार के मतलब समझा दे। अब देवता मंदिर में रहे या घर में का फर्क पड़ता, वो हमरा के हमरा माई से मिलवा दे। अगर हम उनका के अब उनके पिता से ना मिलवा पाई तो बहुत बड़ गलती हो जाए। कहीं तोहार यकीन तोहरा प्यार के झूठ ना बदल दे। प्यार के दूसर नाम विश्वास होला चाचा, और हमनी के प्यार के बुनियाद तन पे ना मन पे टिकलवा। कसम कोमल और कबीर के प्यार के, अगर हमनी के जज्बात अपने के फैसला के बीच में आई तो हमनी के प्यार प्यार ना पाप होगी। कबीर औरत के भाग्य के फैसला हमेशा मर्द ही करेला। एक बात के विश्वास रखी है जिया जी, हमरा साथे बाऊजी के खोजल और तोहर त्यागर रिपोर्टर जाए, लेकिन मरला के बाद हमार तन और मन पर अधिकार सिर्फ हमार रही, और हमरा साथे ई गांव के गो निकम्मा जाहिल अनाथ कबीर के याद जाए।
एगो एहसान करी हो, सिंदूर दान के समय हमरा सामने मत रही हो, ना तो जिए ते जी मर जाए। नया जीवन के शुरुआत करे जा रहा बड़ो, तो के हमार उम्र लग जाए। मरे से पहले तो तोरा दुल्हन के जरूर देखब, हमरा से सुंदर बाड़ी के कम, कहे कि ई दुल्हन के जोड़ा तोरा सम्मान खातिर पहनले बानी। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मंगलम भगवान बजरंगी मंगलम घी कहां बा मंगलम पुंडरी का काफिल पंडित जी घी घी अभी ले आवतन हां तने जल्दी ले आई हो ना तो मुहूर्त का टाइम बीत जाई। ओम शांताकारम भुजगसनम पद्मनाभम सुरेशम साधारण जनम सदसम मेघवर्णम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमलम योगिनी जानगम्यम वंदे विष्णु भवर सर्वलोक एकनाथम ओम श्री अग्ने नमः। अरे हां देखो तो होने का ने चल चल सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम आपदाम अपहरणम दाता बाप के जवान बेटा होके ना ओकरा के कबो कमजोर समझे के गलती मत करी है। कबीर हमार बेटा, हमार बेटा, बीस साल लग गए हमरा के अपन बेटा पहचानने में। लेना लेना चाचा हमने से रब ना रूठे ई साथ नहीं छूटे कबूल
टूटे नहीं डोर से पतंगवा हो हम होई पिया जी के पतरी तेरी आवा पियावा हमार पतरिंकवा हो पियावा हमार पत पटना के सीरियल ब्लास्ट ने पूरे पटना और यहाँ के सिस्टम को दहला कर रख दिया है। एक के बाद एक पूरे 6 धमाके हुए हैं, जिसमें 2 धमाका गांधी मैदान, 2 पटना जंक्शन, 1 एग्जीबिशन रोड और 1 गायत्री मंदिर में। सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान गायत्री मंदिर में हुआ है, जिसमें 1 गांव के लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं जो शादी के मौके पर वहां मौजूद थे। मजा गेल रहे उस दिन, बहुत मजा। का बात बा? रिपोर्ट लिखावे के बा। एक मिनट, बाद में बात करब। हाँ, रिपोर्ट केकरा खिलाफ? उ लोग के खिलाफ जे बम मार के हमरे अम्मी और अब्बू के मरले बाड़े। अरे बेटा, उ लोग पाकिस्तानी आतंकवादी बा, उ लोग के सरकार पकड़ी, हमनी के उ लोग के पकड़े के अधिकार नहीं थे। अरे ये का कर रहा था रे रे? अरे साहब देखी मुतता ई का कहले? हमार अब्बू कहत रहले जे थाना में थानेदार रह के थानेदारी ना करे उ थाना ना पिसाब खाना होला साले। लास्ट के रिपोर्ट चाहिए, वरना तोरा साथ साथ थाना के शमशान बना दे। माफ करा दे जी, गरजे वाला बादल कहो बरसल बा। अब मरे वाला आदमी के अगर श्रद्धांजलि ना दिल गई तो जिंदा आदमी के आत्मा के शांति कहां मिली। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नाराजगी जाहिर बा, हम बूझ रहल बानी, बाकी मुआवजा के रकम बहुत जल्द पहुंचावे के हम कोशिश कर रहल बानी। मुआवजा? मुआवजा के रकम पहुंचला से मरे वाला वापस आ जाई ना? ये तो हम अच्छी तरह से जानता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कबीर। तो थाना के फूंक के और दरोगा के मार के मरल आदमी को तू जिंदा कर लेबो? जिंदा ना हो जाए लेकिन गुनहगार के सजा दियाई तो आत्मा के शांति भेटाई। अरे तो आत्मा के शांति लगा करिया अपन जान दी साले गवार। मंत्री जी चुप। एक शब्द ना, ना तो दफा लगा के तना ठोकवाई कि बुढ़ापा जियान हो जाए। कानून बड़ा होला आदमी ना, अगर मरे वाला के एहसास ना रहित ना कितना ठगो होती तोहनी के कि देख नक्शा बिगड़ जाए। पुलिस वाले बहादुर रहे बताए हाथ काटे 4 को उठ का दे देना लोगन, मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायक सब तोहनी के जूता के धोला सकल से बेवकूफ लगता रे लेती। एक बार पता चल जाए बॉम्ब ब्लास्ट में केकर हाथ पा चमड़िया नोचब ना जब आ जाए पाकिस्तान। ब्लास्ट करे वाला पाकिस्तान का आतंकवादी। सुन के खून पानी तो ना हो गई? अरे महाराज पहले ही तो पता कहला कि अनाथ के देह में खून बाग की खाली बनिया से काम चला था। खून पानी के पता वो दिन चली जब ब्लास्ट करे वाला के लिया के ए जमा। अगर ना मर लेना तो फिर अनाथ के साथ साथ नाजायज भी कही भी। हाँ ना तो फिर शहीदे में नाम लिखाई और ना तो फिर
नामदार जोई चला। अरे मंत्री जी, जीवन और मृत्यु ऊपर वाला के हाथ में होला, लेकिन बम ब्लास्ट कोनो आदमी करे लेवा। ब्लास्ट में मरे वाला एक एक आदमी की कसम खा के कहता नहीं, ब्लास्ट करे वाला के यही धरती पे लिया के मारे। कहे कि बम के धमाका इना चिन्हेला कि मरे वाला हिंदू है कि मुसलमान, और यह बतावे खातिर आ रहल बानी पटना से पाकिस्तान। इस बदतमीजी पर एक दूतो रिपोर्ट लिखने के पहले गोली मार देंगे। कमबख्त ऐसी भी उस वक्त आती है जब हमें किसी पर गुस्सा आता है। गुस्से को दबा के रखिए, गर्मियों का मौसम है, फट जाएगा। वैसे हम तो यहाँ इस बात की इतला करने आए हैं कि आपके नाम की हवा पूरी कराची में है। एक जरा सा तिनका भी बड़ा जख्म दे सकता है। दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़े भी तो आपके बदन से निकाल लेंगे। एक सबूत मिल जाए फिर तो ऐसी चोट दूंगा कि उड़ते हुए पत्तों से भी डर लगेगा। इस्तकबाल करते हैं आपका, तशरीफ रखिए।
कबीर चाचा हम चलब तोरा संगे पाकिस्तान और कहीं तोरा चलला से तोहर कबीर चाचा कमजोर पड़ गए तब कमजोर ना पड़े देव चाचा कहे कि अगर बचपन में माँ बाप के साया सर से उठ जाए तो लड़का बचपने में जवान हो जाला हम कुछ ना कहब बस एक बार हमहू पाकिस्तान देखे के चाहता नहीं ना साला यह तो देखे के बाद कि खैरात में दिहल जमीन के माटी के ताकत हमनी के माटी से ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई ठीक बा मंत्री जी बतौले रानी तोहनी के बारे में ये पासपोर्ट बनवा के कहवा जाए के बा पाकिस्तान अच्छा वो नौकरी करे खातिर जैसे लोग दुबई वगैरह जाने वही सही ना ना पाकिस्तान के बम से उड़ावे बम से उड़ाई बा अच्छा तो तू लोगन कैसे बम मरवा ऐसे बम के चोट पर ते चिल्लाई ले बंदूक के नोक पर निकल जाएगी 10 दिन से घुमावा तारे क्या समझा तारे का लगा था तोरा के पासपोर्ट ना बने भी तो हमने के पाकिस्तान ना जाए के जाए के वैसे जाए के जैसे वोकनी क्या वाले सर हाँ हमरा पता बा आज के समय में काम गांधीगिरी से ना दादागिरी से होला चल कपड़ा निकाल निकाल रेप रेप कर बका खोल यो निकाल दूरबीन दूरबीन ना 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 हमनी के खिलाफ कार्रवाई कहले तो तोर फोटो टीवी अखबार में इतना छपी कि लोग सलमान खान से ज्यादा तोरा के याद रखे पाकिस्तान तो हमनी के जाएगी और वहां जाए से तोरा मंत्री के बाप भी ना रोक पाई अब तू सोच पासपोर्ट बनावे के बाद कि ना साहेब ये कपड़ा क्या उतरला सर हमार तो खाली कपड़ा उतरला सर पाकिस्तान के तो चड्डी उतार ली बिना वीजा पासपोर्ट के चले के अरे यार बिना वीजा पासपोर्ट के जाइबा तो हमनी में और उकनी में अंतर का रही कबीर अरे जनक एगो बात कहे के चाहता नहीं का शायद वो बात के वजह से वो एहसान के बदला चुका सकी जॉन एक नौटंकी वाले के सही रास्ता पे लिया दिलस बतावा देखा 20 तारीख के मंत्री जी के जन्मदिन बा हम मंत्री जी और विधायक जी के खूब निम्मन से जानतानी अगर वो लोग पकड़ा गए ना तो पाकिस्तान का अमेरिका पहुंचा दी लोग वो कैसे आदमी शराब कबाब और सबाब के सामने कैसे नंगा होला ठीक बा पहले ही जोखिम हम और शोएब उठावे के पावे अंगूर कहे खट्टा
हमार जीजा लौंडा बा जाऊं मैं। कौन ना काम में के पाई जवानी, जेकर पागल ना कौन ना कहानी, ई उम्र ये के फेरा बाई सुन, एमे होत रहे अक्सर नादानी, अगिया से बोला लपटू ठीक कैसे, अगिया से बोला लपटू ठीक कैसे, जदी परे ना लौना चुल्हानी में लुका छिपी बलात्कार करेगा पैक बाड़ू की उद्घाटन हो चुकल बा। ओ मंत्री जी के रहते दूसर के उद्घाटन करी। सही, एकदम सही। आए ए ऊका चमक रहल बारे फॉरेन से मंगवाइले बानी चमकी ना। अच्छा तब तो भेतरा फरन साबुन लागल है। सुन के देख ली कोना कंट्री के साबुन लगैले बानी। गंधावता मा का तरे गंधावता ए करे जा तैया माग लागल रे बर्दाश्त देखियो करे जा मैं समझ करे जा जल्दी कर हट मुझे उठा। अब क्यों जान जाई तक का कोही जाने का खाक। मंत्री बाद में आई लौंडा बाज पहले। जब हम पास में खलासी रानी नू तब कोनो खलासी लौंडा के झोड़ ले ना रानी। तो यो तो सोची रहो जनता के सेवक होई। सेवक? हाँ। जनता मतलब? जनता मतलब बेवकूफ एक नंबर का गधा। जब वोट की जरूरत होगे हाँ। तो हाँ जोड़ लेवे के अगर बात पिछवाड़े दुल्हन तिमाग भगा दे। जान फालतू बात करेंगे समय ना। जल्दी से आ जा, जल्दी से जा करे जा मैं समझ जा। जल्दी से चला। विधायक जी के पता चली तो रे। विधायक ससुरा में उस बड़ा लागल होइ कत्तो। कीर्तन थोड़ा हूँ करत हुई। अरे जल्दी करो हो। ये हमार पावर हाउस। रे वो ऐसा नहीं हम तो कभी सोच ली भी ना रहनी। अरे तुम्हारा सोच से भी बहुत ऊपर का चीज बानी। जब हम दारू का दलाली करी ना तो घसियारी ना चरवाहिन के हुके ना छोड़नी। तीन बेर रेप के केस में भीतर जाके बाहर आ चुकल बानी। चरित्रहीन नंबर वन कहाँ तक लिख के दे दी हो ना। पहले उठक बैठक करी।
बास की आवरी थोड़ा और। अच्छा पहले ही से दहिया गरमा रहा है। उठा बटे के और गरमा गई नहीं है। एक बे अरे इतना काम जनता खातिर कैले होती तो आज विधायक से मंत्री ना बन जाती। मंत्री बनले में वो मजा नहीं खे जवन तोरा के पकड़ने में बा। जनता की रउआ के बारे में मालूम पड़ी तो का सोची? सोचेगी जनता अगर इतना होशियार रही तो हमारे जैसा के विधायक नानू बनाए लोग। बातचीत छोड़ा अब बर्दाश्त नहीं क्यों जल्दी से आ जा। आ जा ना। हम अगर रउआ लगे आई तो रउआ बीमार हो जाए। कहे हो मलेरिया बाकी फलेरिया एड्स बा। जीजा ए जीजा कुछ छपल इतना छपल बाकी नेताजी के मंत्री जी के लंगोट जल के राख हो जाए। ले जाके दे ये कहा भैया उ लोग के कर्म कुंडली है। आए कहा पहलवान जी ये हाफ टिकट लगे कहा घूमत रह। संग्रामपुर पंचायत सर वालों के कर्म कुंडली आई बा। कर्म कुंडली हैली सीढ़ी देख ली कबीर भैया पंचायत में इंतजार करा तरह। लगा जल्दी से सर। देखी होशियार रही अरे साले माई की पेटवा में कैसे रह ले साले। साइड साइड हाँ आई आई सर। हाँ साइड चप्पल अब अने ये सब कहा रे? जी जैसी पब्लिक का मिजाज ठीक नहीं खिलाकर चुपचाप निकल चले। जूता चप्पल से डरा गई जिंदगी भर विधायक रहबा सारे के मंत्री ना बन पाइबा। जियो सिर जीजा जी हम रउआ के प्रधानमंत्री बनल देखल चाहता नहीं अरे वो आगे बढ़ी। हाँ जाए चुपचाप आगे बढ़ो जाके बात करा से। का भाई कबीर कहा नौटंकी होता ही सब है यही जगह बतीबा के अंदर चल के बताई। भीतर है ठीक रही चला आवा। अब भीतर कहां लेके जाता है? हाँ विधायक के सामने बैठल बाड़े। विधायक के सामने ना नालायक के सामने बैठल बानी वो सबूत के साथ समझ में आई। सब समझ में आ गई। अब सही आदमी भैया सही काम नु करी सही सोच ले होगा। जीजा जी के भेज रहा पानी अब भैया जवन काम मंत्री जी कर सकन और मैं विधायक के काओ का काम हो जाए भैया पक्का। आ गई अभी लम्हा के कड़वा तेल देर पहले तराना कूल है गड़ी दुई मैडम निकाल देनी है। वो आवाज कैसन आई रजिस्टर गिरला के रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर रजिस्टर समस्या बड़ बाओ हम ठहरनी विधायक रहुआ मंत्री दो मिनट में सुलझा दे जाए। ओके डोंट वरी मंत्री के सामने बैठा है डर नहीं लग रहा है? कुत्ता कटला के इंजेक्शन बाजार में मिलेला। कुत्ता किसको बोला है जी? तोरा के शेर बोल शेर तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं नहीं तो नटाई में दोनों उंगली डाल के ऐसे उल्टा लटका देते। वापस कर सेटी वापस कर।
का भाईल सर? हाँ का भाईल? लागत था फिर रजिस्टर गिरल। कतना रजिस्टर बा अंदर हो? बम ब्लास्ट में केकर हाथ रहे। बम ब्लास्ट? हमरा का पता? का भाईल सर काहे रोता नहीं? अपना खातिर ना, चीजा खातिर रोवता नहीं। वो पाकिस्तान में अलहैदर नाम के एक संस्था है जो वो अली फ्रंट पार्टी से जुड़ा हुआ है यार पाकिस्तान में। संगठन चलावे वाला के नाम? अब लीजिए मैं यहाँ हिंदुस्तान में रहता हूँ यार, पाकिस्तान के बारे में सफलता तो मंत्री को बोल रहा है। अरे वाह, अरे उठी सर, अरे अरे का भाईल सर? अरे लागा था आज हमारी बहन विधवा हो जाए रे दादा। मैं पाकिस्तान के दौरे पर गया था तो वहाँ कुछ लोगों से मेरी छोटी मोटी फ्रेंडशिप हो गई थी और तब से लेके आज तक वो फ्रेंडशिप चल रही है। चल रही है ना? इतना लोग के ये क्या है? वीजा पासपोर्ट आवे जाए और वहाँ रहे खातिर व्यवस्था। आए हे ये पहलवान मां को ले जाके क्या करोगे भाई? वहां पे तोहरा साथे गइल रहे ना पाकिस्तान? हां ए पहलवान, ए पहलवान लागा था तोरा के केहू आपन याद करा था। वार्तालाप करने का ऐसा तरीका पहली बार देखा है भाई साहब। नमस्कार। ऐसन गद्दारन के हाथ में देश बा। शुक्ला जी। जी सर। आप वीजा और पासपोर्ट रेडी करवाइए। यस सर। और अनहनन सारन के ना पाकिस्तान बाई रोड भेजे के हो। यस सर। और हाँ हैदराली के फोन लगाओ। यस सर। ए, और पहलवानों को वीजा पासपोर्ट बनवाता था? हमार का हेला बाद में बताएंगे। हाँ हेलो हेलो मंत्री जी बात कर। हाँ 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 जी। सलाम जनाब। अरे वालेकुम प्रणाम। और बताइए सब खैरियत? हाँ मजे में मजे में। इन धमाकों से कुछ चुनावी फायदे नजर आए? अरे जीजा जी का चेहरा देख ली खुदा पता चल जाए। चुप। हाँ जी जी आप क्यों, फायदे की बात, हमारा फायदा तो हो ही रहा है, हम तो आपके फायदे के बारे में सोच रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं जनाब? पहला मिशन जिसने फेल किया है उसे हम आपके हवाले करने की सोच रहे हैं। जी तो चाहता है क्या कि जुबान चूम लूं। हम गुड़ से भरा हुआ ट्रक आपके यहाँ भेजेंगे, इधर का कागज हम तैयार कर लेंगे, उधर का आप कर लीजिएगा। लेकिन ले जाने वाला लौट कर वापस नहीं आना चाहिए जनाब। भेजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दाऊद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। हदर साहब सब खैरियत में? सब खैरियत जनाब। लाजवाब खबर लाया हूँ। शहनाज के सगाई की तारीख बताने आए। उससे भी उम्दा। 14 जुलाई को जिस शख्स ने आपको शिकस्त दी थी उस नामुराद को आपके हवाले करने आया हूं। खुदा की कसम हैदर साहब, उसकी मौत देखने लायक होगी। शुक्ला सर, सारे कागजात, पासपोर्ट, वीजा और पाकिस्तानी करेंसीज कबीर को हैंडओवर करो। सर है लो ई बा वीजा के कागजात, आई रहल पासपोर्ट, आई रहल कैश। आएगा जरूर लेकिन वापस नहीं जाएगा। पाकिस्तान के दामन को जो दाग लगा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजता है, वो दाग हमेशा के लिए मिटाऊंगा, बल्कि दुनिया को बताऊंगा कि हिंदुस्तान अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजता है। का आई सब हो? एकरा में देसी कट्टा, देसी बम, यूपी, बिहार, झारखंड के हर जिला से आयल बा और जाके पाकिस्तान के तुलक दिखा दो। ये हथियार पाकिस्तान के अमेरिका से खरीदे के पड़ी के ये हमरा हर गांव गांव में बनेला। हिंदुस्तान के तो बातें छोड़ा, खाली यूपी बिहार चढ़ गए लू था, दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान हमेशा ला खत्म। सब हथियार पे गुड़ चढ़वा, देखा था नहीं कौन साला पकड़ा था।
ध्यान से सुनो अफसल, बदीन में आप उसको रिसीव करेंगे, मीरपुर में आप, और उसके बाद कराची में हम उसको मिलेंगे। मिटा के हस्ती अब दुश्मन की सांस चैन की लेंगे, ईंट का पत्थर से जवाब हम जंग में लड़कर देंगे, सब्र की सीमा टूट गई अब तोड़ेंगे दुश्मन को, जान रहे या जाए भले ना छोड़ेंगे दुश्मन को। सब में कबीर कौन है? ये कबीर नहीं है, ये कबीर है, ये कबीर है। सौदागर, अगर मर्द का बच्चा है तो माशुका की हिफाजत करके दिखा। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, तेरे घर के कोने कोने का पता लेकर आए हैं। मेरे शनाज को औरत को छोड़ दो, अगर मर्द है मुझसे हाथ मिलाकर देख। हाथ मिलाने नहीं, इससे लात मिलाने आए हैं। चाहूं तो तुझे यशी ठोक दूं, लेकिन मेरे भारत माता की जमीन तेरे खून की प्यासी है। तुझे ले जाकर उस जमीन पे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे मौत के खौफ से दहशतगर्द पैदा होना बंद कर देंगे। बाहर जो ट्रक खड़ा है उसमें गुड़ नहीं, हथियार है। अब सोच हथियार मंगाने की क्या सजा होगी। हम हिंदुस्तानी पैजामा सिलने से पहले मूतने की जगह बनाते हैं, और अब तुझे मुताएंगे। चल फोन उठा मच्छर जात। हमारी शहनाज को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेगम साहिबा, आप बेफिक्र रहिए, शहनाज को कुछ नहीं होगा, हम उसके अब्बू है ना, कुछ नहीं होगा उसे। हम आपकी सियासत पर अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं देंगे। सर पाकिस्तान से फोन। सर हेलो, आई एम चौबे फ्रॉम हिंदुस्तान। अबे चौबे फ्रॉम हिंदुस्तान, तुमने ट्रक में हथियार भेज दिया? अरे हम तो यहाँ से गुड़ ही भेजे थे,
अब पाकिस्तान की धरती में उगुड़ अगर हथियार बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा पिछवाड़े में। बम नहीं बांध दिया तो नाम बदल दे। धमकी ना आए। धमकी? हेलो, हमारे यहाँ 10 मरता है तो एक मुखिया पैदा होता है। हमारे यहाँ 100 मुखिया मरता है तो एक विधायक पैदा होता है। और अब आप खुद सोचिए कि कितने मादर डॉट डॉट मरे होंगे तब मैं एक मंत्री पैदा हुआ हूँ। सबको दौड़ा दौड़ा के ये लुधियाना से लेकर लाहौर तक नहीं भगाया ना, तो मेरा नाम भी हैदर अली नहीं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। टीटी पू पापू टिन टिन टिटों। का भाई ले जीजा खौनो पर अवलंबा का। हाँ, पाकिस्तान के पिछवाड़ा फाट गई हो तू सीए जाइबा। कुछ खाइबा ना कबीर चाचा? अब इनकर का करे के बा? तोरा से ब्याह करावे के बा। हमरा के पागल बुझले बाड़ा, इनकर चुम्मा लेवे खातिर हमरा के सीढ़ी लगावे के पड़ी। शेनस? और दहेज में का मिली? शेनस तुम्हारी आवाज खंडहर। ये कोई मामूली खंडहर नहीं, यहाँ का बहुत ही मशहूर वज्रस्तान का खंडहर है। लागत है सबका राम नाम सत्य ऐसे हुई। ये पाकिस्तान की जमीन, यहाँ पे राम का नहीं अल्लाह का नाम लो, तब शायद वो तुम्हारे गुनाह बख्श दे। शोएब, बिना बॉल के सिक्सर मारे के पड़ी। इंशाल्लाह। लीजिए उसे।
जिन हाथों से उसने अब को छुआ है, ऐसे काटूंगा कि अगले 7 जन्म में पैदा तो जरूर होगा लेकिन किसी को छूने के लिए उसके पास हाथ नहीं रहेंगे। घर चलिए अब्बू। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो रमजान में राम और दिवाली में अली को देखता है। पटक दिया था पुलिस, पुलिस बा, पुलिस। इनकी माँ का हमने की पुलिस से कुछ लेवे देवे के नहीं के, हमने के टारगेट के होर बार चलो यहाँ से, चला चलो तू है। हेलो, हाँ एक मिनट, हाँ ये दोनों दे दीजिए। हाँ हेलो, अच्छा सुनो, कपड़ा और सामान तो कुल किना गिल बा, ये बताओ कि हमारा कहाँ पहुँचे के बा, कहाँ पड़ा तू लोग? गुलशन इकबाल टाउन के खंडहर। गुलशन इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल टाउन कहाँ? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, अच्छा सुनो ना, एजा को दुकानदार बाबू बताओ था कि जैसे 5 किलोमीटर दूर बा, तो हम फटाफट आता नहीं। सुनो, तू अपन ख्याल रखिए, अब पुलिस से सावधान हुई, ठीक बनाओ पहुँचे तक। हाँ समझ में आया जिंदगी और मौत के बीच में क्या फर्क है? ना ना ना, खाला खाला, कुल तो वही खाला। हिंदुस्तान से तो नहीं सेवा खातिर आयल बानी पाकिस्तान हमनी के। दिल कराता दे दिए गोली, ये बोझ के ढोला से मिल जाओ छुट्टी। हाजमे की गोली है आपके पास? हाँ, बादी का, मेड इन बिहार। एक गोली में पेट साफ और दूसरे में आदमी है साफ। हुसैन के खाना खिला दे लोग। कबीर, कोमल बुआ, जन्मदिन मुबारक। नजरिया बचा के
के दबे पाऊँ नजरिया बचा के कर तो हर चरण की धूल मांग के सिंदूर बना ले। मरे से पहले तक तोरा दुल्हन की जरूर देखब, हमरा से सुंदर बाड़ी की कम। चढ़े जाए रात जब जाके चंदनिया झुर 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 के कुर्बा सिहरी बदनिया चढ़ जाए रात जब छाके चंदनिया झुर 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 के पुरबा सिहरी बदनिया करब इंतजार हम करब इंतजार हम मखियां बिछा के रात भर जगई है जईहा नया के रात भर जगई है जईहा नया के रात भर जगई है जईहा नया के। ये कोमल कौन है? गाना गाकर रोने का क्या मतलब है? मतलब ही तो जीवन का मकसद बन गया। बचपन से जवान होते जिसे देखा, अनाथ होकर भी माँ बाप का प्यार और लाल चुनरी में सजी दुल्हन, मांग में सिंदूर पड़ने से पहले ही मांस के लोटड़े में बदल गई। उसी का नाम था कोमल। लेकिन ये सब किसने किया? आपके अब्बू हैदर अली ने और आपके मंगेतर दाऊद हसन ने। नहीं नहीं, ये झूठ है। एक मिनट, आपके कहने से झूठ नहीं हो जाएगा। कागज में लिखे हुए सबूत दस्तावेजों की तरह होते हैं, जो सच कहते हैं झूठ बयां नहीं करते। हमारा यकीन कीजिए, अगर आप लोग सच कह रहे हैं तो हम आप लोगों के साथ हैं। मां बाप के संस्कार बच्चों के चेहरे पे नहीं, उनके रगों में होते हैं। हमारी तहजीब की पहचान हमारे अब्बू से नहीं, हमारी अम्मी से है। हमारे अब्बू पहले मुसलमान है, बाद में इंसान, लेकिन हम सबसे पहले इंसान है, उसके बाद मुसलमान है। कोई दहशतगर्द हमारा अब्बू तो हो सकता है, लेकिन शौहर नहीं। हमारे यहां औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगर मर गए तो कफन उधार दे देना, अगले जन्म में कर्ज उतार देंगे। हमारा फैसला बदल गया तो अब उस दिन बदलना जिस दिन हैदर अली और दाऊद हसन से मजबूत हाथ उन्हें मिल जाए।
गोलो को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। बजरंगी, हाँ शोएब के लेके आवा, अगला लोकेशन फोन पे बताओ। चल ठीक बा। नाम क्या है तेरा? बजरंगी। बजरंग बली का रिश्तेदार है। चल या अली बोल। मेरे लिए या अली और बजरंग बली में कोई फर्क नहीं है, लेकिन गलती से भी मेरे बजरंग बली को बुरा मत बोलना, वरना मारूंगा तो मरने का पता भी नहीं चलेगा। बजरंग बली जय। बाकी के कुत्ते इधर ही होंगे, चलो ढूंढो। हाँ शोएब। हाँ हम बस पहुंचे। हेलो शोएब। हेलो बजरंगी, बजरंगी। बजरंगी, बजरंगी। कौन कहता है हिंदू और मुसलमान में लड़ाई होगी? ये हवा भी कमबख्त किसी पाकिस्तानी ने उड़ाई होगी। ए, ए, जान मत छोड़िए रे, जान मत छोड़िए रे। हे बजरंगी, हे बजरंगी, बजरंगी उठा रे। कल पाकिस्तानी अखबार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आंख और दिल दोनों अपनी जगह बदल देंगे। तुम्हारे भेजे हुए कुत्तों की लाशें कल पाकिस्तानी अखबार के फ्रंट पेज पर होगी। साले साहब, चल के गांव वालों के बता दे ये क्रांतिकारी के क्रांति खत्म। फॉलो मी। सर आइए, आइए सर। हाँ हाँ सर, हाँ कहाँ मुखिया? और इस सर पांच और गांव वाला सारा लोग सुन लो, कल अखबार का फ्रंट पेज पढ़ लिया सर, हिंदुस्तान से आए हुए आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन पर ढेर। नाम कबीर दीनानाथ शास्त्री। शोएब खान। हुसैन खान। बजरंगी पंडित। यस। अब फटाफट सीढ़ी वापस कर दे लोग, कहे से कम मसी हाथ अट्ठा अट्ठा फिर लोड़ा की गए। हे मंत्री, ई हिंदुस्तान के माटी है, माटी कम बारूद ज्यादा होला, ई जब फटी ना तब पाकिस्तान के नामो निशान मिटा दे। ज्यादा बोलेगा साले।
साला है। मसिया मरे लाना मर क्या वाला मुझे मेरे मंत्री बंद है साला लोग के यहाँ के लाज जनता की असली ताकत सब आप सारे चोर लोगों के मर ध्वंस विध्वंस हो जाए मंत्री है मुखिया जी हमर कबीर आ सोएब न जाने पाकिस्तान में कौन हालत में हुई लोग सरपंच चाचा ये हमार मन के विश्वास कहता कि वो लोग जरूर लौट के आए काहे से कि बाबा विश्वनाथ की नगरी की माटी पाकिस्तान के चांद पर अगर गलती से भी पड़ जाए ना तो ओकर दामन से हमेशा से दाग निकाल दी सांस पकड़ के रखना खबर सुनने के बाद
जान जिगर से बाहर ना जाए। सर पे कफन बांध के चलने वाले जान की नहीं सम्मान की फिक्र करते हैं। कबीर चाचा तू चिंता मत करियो, मार चील इतना जरूरी नहीं है जितना एकर मरल जरूरी। बदन के किले के पास पहुंचाना, पता चलेगा कि असली मर्द की पहचान क्या होती है। आ रहा हूं। क्षमा तो नहीं मांगूंगा क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। शायद आप न होती तो दाऊद को यहां तक नहीं ला पाते। अब देखते हैं तकदीर जीत की माला किसे पहनाती है। आपने इतना साथ दिया बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। कबीर बदनसीबी का दाग लेकर जो हाथ अब्बू और दाऊद हसन से भी ज्यादा मजबूत लगा उसका सहारा भी नहीं मिल पाया। सहारा बनकर भी क्या कर लेंगे जब दुनिया में वही नहीं है जो हमारी दुल्हन को देखना चाहती थी। आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर उससे मिलने का मौका मिला तो जरूर देखेंगे। वो कितनी खूबसूरत थी कि उसके लिए एक आदमी सरहद पार कर गया। हिंदुस्तानी हाथ है, एक बार पकड़ लिया तो सात जन्म नहीं छोड़ता है। औरत को मोहरा बनाकर मर्द होने का फक्र करता है। औरत को मर्द मोहरा बनाता है तो बच्चे को मोहरा बनाने वाला ही होता है। ठहरिए हसन साहब, मौत के सौदागर कभी किसी मुल्क की सियासत के बादशाह नहीं बन सकते। शहनाज, अल्लाह के वास्ते कुछ मत कहिए अब्बू। आपकी असलियत जानने के बाद हमारा भ्रम टूट चुका है कि हमारे अब्बू एक नेक इंसान है। आप तो एक दहशतगर्द हैं। ये ज़बान तेरी नहीं इस काफिर की है। शहनाज, इसके बदन का खून आपके पैर का महावर बनेगा। फिर लगा दीजिए आप अपनी पूरी ताकत इन्हें मारने में, और हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इनकी जान बचाने में। आ मुराद लड़की, देखा हसन साहब, किसी नेक इंसान का खून कभी पांव का महावर नहीं बल्कि मांग का सिंदूर बनता है। अब दहेज में कफन भी तैयार रखना शहनाज। दहेज में कफन नहीं दाऊद हसन, पूरा पाकिस्तान लेके जाऊंगा। साले, बहुत तोड़ा है तूने मुझे। मार दाऊद हसन और मार, इतने में थक गया तू, अभी तो तुझे और भगाऊंगा। तेरे घर से निकल कर 150 किलोमीटर लाए, अब तेरे मौत की सीमा रेखा
13 किलोमीटर बची है दाऊद हसन, जितना मार सकता है। रुक जाओ दाऊद हसन, वरना तुम्हारी ये माशुका तुम्हारी तकदीर का फैसला कर देगी। अपने आदमियों से कह दो कि बंदूकें फेंक दे। ए, दाऊद हसन, इसने तेरी माशुका को उठा के दुल्हन बना लिया। सोच तुझे क्या बनाएगा। और तू हैदर अली, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर, क्योंकि तूने तो अपनी बेटी के लिए चुना था, लेकिन बेटी ने मर्द चुना है। शहनाज की शादी का लड्डू अगर पाकिस्तान नहीं भेजा तो मैं अपने हिंदुस्तान का बेटा नहीं। काफिर हिंदुस्तानी हमें यह बता गया कि जिसे हमने शेर समझा था मर्द, वो यकीनन कीदड़ है। आज तुम सबको दौड़ाएगा और मुंह दिया पूरा हिंदुस्तान तो तेरा मुल्क बह जाएगा। शंखनाद Yeah!
हिंदुस्तान को मेरा एक पैगाम दे देना, जिस मुसलमान का ईमान मुसलसल हो वो गद्दार नहीं होता, वफादार होता, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। कुत्ता साला, मुझे मालूम था वतन के साथ तो गद्दारी करेगा। तुम्हारे भी ताबूत में कील ठोक दी है हमने। फिर कोई नहीं करेगा, हमें इसका फिर को जिंदा पकड़ना है। अगर मर गए तो कफन उतारते थे ना, अगले जन्म में कर्ज उतार देंगे।
नहीं है दाऊद हसन। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे गुनाहों की फाइल पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुकी थी। इस मिट्टी की मजबूती को देख दाऊद हसन, तुझे तेरे घर से निकाल कर इस मिट्टी में ला के पटक दिया। इन कदमों को देख दाऊद हसन, तुझे पता चलेगा कि बेटे की जगह हमेशा बाप के पैरों में होती है। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे आका जन्नत का ख्वाब देखने को हौसला नहीं करेंगे। चुप के वार करते हो साले। जब बर्दाश्त कहे कि अब बर्दाश्त नहीं होता, तो कोई हिंदुस्तानी कभी किसी से परास्त नहीं होता। अब की जंग छिड़ी तो चेहरे का खौफ बदल देंगे। इतिहास की क्या औकात है, पूरा भूगोल बदल देंगे। लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद के छाती पे फहराएगा तिरंगा, रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गर्त हो जाएगा। सदियों सदियों तक तेरे जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हो गया तो सुन, अपने दिमाग को जरा सा जोर डालो। जब तक जिंदा हूं तेरे हिंदुस्तानी सिस्टम के गोदी में बैठकर बिरयानी खाता रहूंगा। दाऊद हसन, हम फिर से ना वो गलती दोहराएंगे और ना ही किसी आतंकवादी को बिरयानी खिलाएंगे।